कैसे करते हैं? कल्पित स्तेय योगई। स्तेय योग का मतलब होता है चोरी करने की कला, चोर योग, चोरी करने का योग। चोरी करने की कला के माध्यम से चाहे जहां मर्जी हम छुपा के रखें, फिर भी भगवान उसे निकाल लेते हैं। अपने आप ग्रहण करें तो कितना खाएंगे भगवान कृष्ण, कितना आरोगेंगे, आधा किलो, एक किलो, कितना खा लेंगे। लेकिन मरकान भोक्षण, बंदरों को खिला करके मटकी खाली कर देते हैं। जब बंदरों को खिलाने के बाद मटकी खाली हो जाए तो नाति भांडम भिन्नति ही, जब बर्तन खाली हो जाए तो बर्तन को जमीन पे पटक देते हैं तो बर्तन टूट टूट करके बिखर जाता है। कोई बात नहीं, मक्खन आरोग ले ठीक ही है, लेकिन बर्तन तो ना तोड़े। मक्खन रही तो बर्तन को क्यों तोड़ना, फिर उसमें मक्खन डालने का, कल मक्खन डाल सकते हैं उसमें। और द्रव्यालावे सगृह कुपिता, अगर किसी के घर में मक्खन नहीं है तो भगवान क्या करते हैं, उस घर के साथ क्रोधित हो जाते हैं। गृह कुपित, उस घर के साथ, घर के मालकिन के साथ क्रोधित हो जाते हैं। या त्युपक्रोश्य तो कान, और छोटे बच्चे जो सो रहे होते हैं ना, उसको नाखून मार करके जगा करके कन्हैया भाग जाते हैं। जब बच्चे रोने लगते हैं तो हमारी नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो हम देखते हैं तो हमारे बच्चे बैठ करके रो रहे होते हैं। छोटे बच्चे तो कान कहते हैं बच्चों को, छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, हम दौड़ते हैं चारों ओर, कन्हैया कहाँ गए, तब तक कन्हैया भाग चुके होते हैं, बहुत दूर कहीं निकल चुके होते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा ऐसा करो ना, मटकी को कहीं ऊपर लटका कर रख दो जहां ऊंचाई हो। तो यशोदा मैया के सामने जब यशोदा मैया ने जब ये बात कही तो गोपियां कहती हैं हस्ताग्राई हे रचे विदिम पीठ कोलू खला दे। नीचे पीड़ा रखते हैं, उसके ऊपर ऊखल रखते हैं, उसके ऊपर चढ़ करके मटकी को उतार लेते हैं। तो ऐसा करो मटकी को उससे भी ऊपर रख दो। तो गोपियां कहती हैं छिद्रम यंत्र निहित वयुन सिक्य भांडे सुतद्वित, छिद्रम यंत्र निहित वयुन, अगर मटकी बहुत ज्यादा ऊपर टांग के रखें तो कोई डंडा लेके आते हैं, उसमें नोक बना करके मटकी को फोड़ करके मक्खन नीचे गिरा लेते हैं और स्वयं आरोग लेते हैं, बंदरों को भी खिला देते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं, उनकी लीला का कोई पारावार नहीं है। और एवं धार्ष्ट्यान्युसति कुरुते मेहनादीनि वास्तव, कभी कभी हमारे घर में बड़ी धृष्टता का कर्म करते हैं। धृष्टता का मतलब होता है घर में आकर के बड़ी जिद करते हैं हमारे घर, जिद का मतलब होता है कि जो चीज हम नहीं कर सकते ऐसा काम भगवान करवा लेते हैं, धृष्टता का कर्म। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, हे गोपी देखो गोपी एक काम करना होगा, मैं तुम्हारे घर मक्खन चोरी करने नहीं आऊंगा, लेकिन आज तुम्हें घूंघट ओढ़ करके ससुर जी के पास जाना होगा। अब ये कैसा कर्म है, बड़ी धृष्टता का कर्म है। घूंघट ओढ़ करके ससुर जी के पास जब पहुंचते हैं तो अचानक कहते हैं घूंघट उतारो, ससुर के सामने घूंघट कहां से उतारे हो, शर्मिंदगी वाली बात होती है ना। एवं धार्ष्ट्यान् निशति कुरुते, घूंघट उड़ाया और घूंघट नीचे तक करवाया और पकड़ करके ले गए, ले जा करके जब ससुर के सामने या जेठ के सामने पहुंच गए, वहां जाने के बाद झट से हमारे घूंघट को ऊपर कर देते हैं। सामने ससुर बैठा होता है, सामने जेठ बैठा होता है। एवं धार्ष्ट्यान् निशति कुरुते, ऐसा जो नहीं करने वाला काम उस समय हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, हम तो घूंघट नीचे करके भाग आती हैं, घूंघट नीचे करके भाग आती हैं। और आकर के कन्हैया को हम कहते तुमने ऐसा क्यों करवाया, मतलब मुझे तो मजा आया, तुमको अच्छा लगे लगे, मेरे तो बड़ा मजा आया कि मैंने तुम्हें पकड़ करके ले गया और ससुर के सामने खड़ा कर दिया और मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है, घूंघट ऊपर करो, तो तुमने किया और मेरे को हंसी आ गई, मुझे मजा आ गया। बताओ अपने को मजा लेने के लिए ससुर और जेठ के सामने, जिनके सामने हमें पर्दा करना चाहिए उनके सामने जाकर पर्दा उघाड़ देते हैं, क्या करें उस समय हम, तो ये बड़ी मुश्किल की बात है।
एक गोपी ने आगे आकर के कहा, मैं अनादिनी वास्तव, मेरे घर में आकर के भगवान क्या कर देते हैं, जहाँ पूजा करने की जगह बनाई होती है वहाँ पे हम पूजा की विधि पूर्ण कर लेते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद एकाग्र चित्त होकर के ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब ध्यान की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, ब्रह्म चिंतन की अवस्था है। एकाग्र चिंतन करने के लिए ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं, वहाँ आकर के ऐसे ऐसे काम करते हैं, दो चार बंधनों को ला करके हमारे सामने घेर देते हैं, या स्वयं हंसते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से चीखते हैं, बंदरों की तरह आवाज निकालते हैं, जानवरों की तरह आवाज निकालते हैं, जिससे हमारा ध्यान भंग हो जाता है। जब ध्यान हमारा भंग हो जाता है तो हम उठ करके उनको कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोलते हैं कि तुम्हारे सामने ब्रह्म खड़ा है, तुम आंखें बंद करके बैठे हो। जब तुम्हारे सामने ब्रह्म खड़ा है और तुम्हारा अपना बंदर रूपी मन को लगा करके बैठे हो, ये मन तो बंदर की तरह है, आंखें बंद करके तुम जरूर बैठे हो लेकिन तुम्हारा मन तो बंदर की तरह अंदर से नाच रहा होता है। मन को बंदर की संज्ञा दी गई है शास्त्र में ना, मन तो बंदर की तरह नाच रहा है और आंखें बंद करके बैठे हो, और तुम्हारा ब्रह्म जिसका तुम चिंतन करना चाहते हो तुम्हारे पीछे ही खड़ा होता है, इसलिए मुझे आवाज करके हल्ला करके तुम्हें जगाना पड़ा ताकि तुम मुझ ब्रह्म को मुड़ करके देखो तो सही। देखो एक बात है, ब्रह्म हमारे सामने कैसे खड़ा है, शास्त्रों में आता है ब्रह्म हमारे सामने ऐसे खड़ा है, हम गिरने वाले हैं तो पकड़ने के लिए ब्रह्म खड़ा रहता है, लेकिन हम कभी गिरने वाले होते ब्रह्म हमें पकड़ने के लिए खड़ा है। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं शास्त्रों में, अनुब्रजाम्य हम नित्यम, अनुब्रजामी का मतलब होता है अनुब्रजामी, पीछे पीछे चलता हूं मैं मेरे भक्तों के, अपने भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं, लेकिन भक्त कभी मुड़ करके मुझे नहीं देखता है, तो गलती किसकी है, गलती ईश्वर की नहीं है, गलती ब्रह्म की नहीं है, गलती हमारी है, गलती हम ही कर रहे हैं, हम कभी पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, हम तो आगे चले जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, कहाँ हमारी कामना है, मैं नजरें कहाँ है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कभी मुड़ करके ब्रह्म की ओर तो हमने झांका ही नहीं, ब्रह्म की ओर तो कभी हमने चिंतन किया ही नहीं, ब्रह्म को तो देखने का कभी सोचा ही नहीं। हाँ ये जरूर है, भ्रम जरूर हो जाता है, ब्रह्म के विषय में भ्रम हो जाता है लेकिन ब्रह्म का ज्ञान हमें होता नहीं है। तो यशोदा मैया ने सबकी शिकायतें सुनी, सबकी शिकायत सुनने के बाद यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ा है और डांट लगाया है, और यशोदा मैया ने सोचा मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं करता होगा, लेकिन इन सब की प्रसन्नता के लिए मुझे आज मेरे बच्चे को डांटना होगा। थोड़ा सा डांटा क्या है, भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, भगवान रोने लग गए, रोते रोते घर से बाहर निकले, बाहर निकल करके बलदाव जी के साथ खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण चले गए। बलदाव जी के साथ खेलते खेलते अचानक एक मिट्टी की ढेली उठाई और भगवान ने अपने मुखारविंद में डाला। जैसे भगवान ने मुखारविंद में मिट्टी की ढेली डाली और बलदाव जी ने सोचा कन्हैया मां से दुखी हो गया और बाहर आकर के मिट्टी आरोग लिया। देखिए एक बात बड़ी समझने की, बड़े चिंतन करने की होती है, भगवान कृष्ण को जब जब क्रोध आता है तो मिट्टी को उठा करके भगवान मुंह में डालते हैं। क्रोध का मतलब होता है धरती का स्वभाव क्या है, क्षमा, धरती का स्वभाव है क्षमा। जब मिट्टी को उठा करके हम अपने मुंह में डालते हैं तो हमें क्षमा की भावना आ जाती है। भगवान ने पृथ्वी को, पृथ्वी में मैंने अपना ये शरीर धारण किया है तो मुझे क्षमाशील बनना चाहिए। लोग मुझे गाली भी देंगे, समझने वाली बात क्या है, भगवान कृष्ण मन में सोचते हैं जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे ग्वाल बाल मुझे घोड़ा बनाएंगे, मेरे ऊपर चढ़ेंगे, खेलेंगे, ग्वाल बाल मेरे को लात भी मारेंगे, मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, ग्वाल बाल मेरे को लात भी मारेंगे, तो उनको क्षमा करने के लिए मुझे मिट्टी तो उठा के मुंह में डालना ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव मेरे में आना ही चाहिए। तो भगवान ने मृत्तिका उठाई है, मुंह में डाला है, बलदाव जी को समाचार मिला, बलदाव जी ने जाकर के अपनी मैया को शिकायत किया है, तेरे लाला ने ब्रज रज खाए
यशोदा सुन माई तेरे लाल ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई तेरे तेरे लाल ये तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन छोटो सो माटी तोड़ेलो, तुरत श्याम याने गट कगट कगट काई, यशोदा सुन माई याने गट कगट कगट काई, यशोदा सुन माई तेरे लाला खाए, यशोदा सुन माई हो तेरे लाला रज रज खाए, यशोदा याने अपना मुखारविंद खोला। मुखारविंद खोलने के बाद भगवान के मुखारविंद में पहले तो भगवान ने बहुत बार मना किया, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। पहले तो कन्हैया ने कहा, मैया नाहम भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, हे मेरी मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, भक्षितवान अम्ब हे मेरी माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिनः ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। बलदाव जी ने अपनी टीम बनाई है और ये झूठ बोलने की एक टीम बनाई है, जैसे मेरे को ऊपर एक लांछन लगा है ना, मैंने मक्खन चोरी करने वालों की टीम बनाई, ऐसे बलराम जी ने झूठ बोलने वालों की अपनी टीम बनाई है। और बलराम जी इनको झूठ बुलवा करके सत्य है सत्य है सत्य है ऐसा बुलवा देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, देखो पहले भगवान ने सतर्क किया मैया यशोदा को, सतर्क होशियार, बाद में घबराना नहीं, आप मेरी बात को या तो मान जाओ मैंने मिट्टी नहीं खाई, या तो आप इस बात को मान जाओ, नहीं मानोगे तो क्या होने वाला भी पता चलेगा, नहीं मानोगे तो क्या होने वाला है कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। मैया ने कहा मैं तो नहीं मानती, मुख खोल, एक ढेली तो निकल आई लेकिन और भी मिट्टी तेरे मुख के अंदर है, मुख खोल। तो कन्हैया ने कहा देखे मैया मैंने नहीं खाई, ये तो जबरदस्ती किसी ने मेरे मुंह में डाल दिया था, आपने एक ही है बस और मिट्टी नहीं है मेरे मुंह में। फिर भी कहा यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं होता है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, देखो मेरा मुंह। पहले चेतावनी दे दिया है भगवान ने, मैं अपना मुख दिखाने वाला हूं, मुख देखने के बाद आप बेहोश होने वाली है, क्या क्या होने वाला है ये तो बाद में आपको पता चलेगा, आप घबरा जाएंगी। ये पहले ही भगवान कृष्ण ने चेतावनी देने के बाद समक्षम पश्यमे मुखम, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ए लीजिए मेरा मुंह देख लीजिए। तो कन्हैया ने अपना मुंह खोला, जैसे मुंह खोला सा तत्र ददृशे विश्वम जगतस थास्नुच खम दिशः, जब मुख खोला भगवान ने तो सा यशोदा मैया ने तत्र ददृशे वहां देखा, क्या क्या देखा, विश्वम ब्रह्मांड देखा,
सारा चराचर जगत, ये सारा ब्रह्मांड भगवान के अंतर्गत देखा, जगत देखा, जन्म लेने वाले को भी देखा, मृत्यु पाने वाले को भी देखा, मरते हुए भी देखा, मरे हुए को उठा करके ले जाते हुए भी देखा, मुख में घबराहट नहीं होगी। सारा जगत मुख में नजर आया, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को बांध करके लिया जा रहा है उठा करके, भगवान के मुंह में सब क्या नहीं है, सारा जगत उन्होंने देखा। और जगत को देखा, चार पैर वाले प्राणी भी देखे, चार पैर वाले प्राणी भी अंदर घूम रहे हैं, कंदराएं भी देखा, गुफाएं भी देखा, हिमालय भी देखा, नदियां भी देखी, सातों पांचों सभी समुद्र भी देखा, सारा जग सब कुछ भगवान के मुख में देखा। यशोदा मैया को चक्कर आना प्रारंभ हुआ, यशोदा मैया घबरा गई, भगवान मन ही मन सोचते हैं मैंने पहले सतर्क तो कर दिया था, नहीं मानती है मैया तो मैं क्या करूं, मुझे दिखाना पड़ा मुंह, मुझे अपना मुखारविंद दिखाना पड़ गया, नहीं माना मैया ने तो मुझे दिखा दिया, क्योंकि मैं तो सत्य हूं ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये तो मैं प्रत्यक्ष करना चाहता था, लेकिन मैया नहीं मानी तो मुझे दिखाना पड़ा। और जैसे ही यशोदा मैया को ऐसे चक्कर खाते हुए देखा भगवान ने, तो कहा चक्कर खा के मेरी मैया गिर न जाए। उसी समय भगवान ने स्वजन मोहिनी माया का फिर विस्तार किया और भगवान ने अपना मुखारबिंद बंद कर लिया। और भगवान ने अपना मुखारबिंद बंद करते ही और उसी समय कन्हैया ने कहा, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया बोलने लगे। जब कन्हैया के मुंह से मैया शब्द सुना ना, मैया सब कुछ भूल गई और अपने बेटे को छाती से लगा करके बड़े शांत मुद्रा में दुग्ध पान कराने लग गई। तो ये भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर माधुर्य पूर्ण लीलाएं हैं जो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम श्रवण करते हैं अपनी आत्म कल्याण के लिए। कृष्ण कथा सुनने से क्या होगा, हमारा आत्म कल्याण होगा, कृष्ण के प्रति हमारा मन लगेगा, उनके प्रति हमारी अभिरुचि जागेगी। इसलिए कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर कृष्ण कथा सुना रहा हो तो श्रवण कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रवण भक्ति से उत्कृष्ट कोई भक्ति नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले सखी वृंदों का, कान्हा वंशी मधुर बजाए रे। महामति प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।